हेलो वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा आज हम बात करेंगे कॉमर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग फंडामेंटल्स ऑफ ई बिजनेस फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस जिसको शॉर्ट में हम ई e बिजनेस और एफ बी e. के नाम से जानते हैं इसमें बात करेंगे कि उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा प्रैक्टिकल कैसे तैयार किया जाता है प्रैक्टिकल जो नोटबुक है उसमें कोई प्रैक्टिकल को कैसे प्रिपेयर करना है कितने प्रैक्टिकल बनाने हैं किस ढंग से बनाने हैं उस बारे में बात करेंगे लेट्स मूव हेड विद मी टू डिस्कस टुडेस कंटेंट एक अलर्ट मैं हमेशा देता हूं कि वीडियो कंप्लीट देखो शुरू से लेकर एंड तक फुल स्क्रीन करके देखो अपने डिवाइस की और ईयरफोन यूज करो सो दैट यू कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन क्लियर एंड अप टू परफेक्शन स्टूडेंट्स फंडामेंटल्स ऑफ ई बिजनेस एफएबी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में जो प्लस टू कॉमर्स में ये एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ ई बिजनेस प्लस टू कॉमर्स में आपको मैंने पहले भी इससे पहले बिजनेस स्टडीज के जब प्रोजेक्ट वर्क की बात की थी प्लस टू कॉमर्स में बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने डिटेल में उस वीडियोस के बारे में वीडियो में भी बताया जो बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और जो तीसरा सब्जेक्ट है कॉमर्स का स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ ई बिजनेस में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है ये इन दोनों में से ऑप्शन है उसके पास और फोर्थ सब्जेक्ट ये इस साल पंजाब बोर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया दे कैन टेक एज एडिशनल सब्जेक्ट इन कॉमर्स इकोनॉमिक्स या फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस इनमें से एक थर्ड सब्जेक्ट ऑप्ट करने के बाद ये करना ही करना है थर्ड कोई भी फोर्थ एडिशनल सब्जेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स जैसे सीबीएसई में ऑलरेडी जो फोर्थ सब्जेक्ट है उसमें चार सब्जेक्ट्स की ऑप्शन है कंप्यूटर एप्लीकेशन मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस एंड एनसीसी इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट ने थर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लिया है तो फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस फोर्थ हो सकता है अगर थर्ड एफ ई बी ली है तो फोर्थ वो एडिशनल इकोनॉमिक्स कर सकते हैं एडिशनल उनकी अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है एडिशनल के जो मार्क्स हैं वो टोटल में ऐड नहीं होते परसेंटेज को इफेक्ट नहीं करते तो बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस का जो एग्जाम है फाइनल एग्जाम होगा थ्री आवर्स का होगा थ्रेटिकल एटी मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा फिफ्टीन मार्क्स का और इंटरनल असेसमेंट के फाइव मार्क्स लगेंगे टोटल हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम होगा फंडामेंटल्स ऑफ ई बिजनेस का क्लियर तो जो फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है सेकंड में हार्डवेयर कॉन्सेप्ट है थर्ड मल्टी मीडिया फोर्थ है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट वर्किंग विद इंटरनेट इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स ई कॉमर्स इन इंडिया ये फिफ्थ यूनिट है एफ के की बात करें तो इसके अलावा ई पेमेंट ई सिक्योरिटी ई बैंकिंग, ए ट्रेडिंग, ए मार्केटिंग, ये सारे .E में, हमें पता हो कि सिलेबस के किस हिस्से में से हमने किस टॉपिक को पिक करना अब सीधी बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर पहले हमें पता हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर होगा कैसा एंड हाफ आवर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा मैक्सिमम फिफ्टीन मार्क्स हैं मार्क्स की सब डिवीजन क्या है प्रैक्टिकल एग्जाम की थ्री मार्क्स प्रैक्टिकल नोटबुक के हैं टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा रिटर्न और प्रैक्टिकल फॉर्मेट में उसमें टोटल फाइव क्वेश्चन होंगे टू फ्रॉम पार्ट फर्स्ट और जो थ्री होंगे वो फ्रॉम पार्ट सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड में क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूं और हर क्वेश्चन तीन मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स आर रिक्वायर टू परफॉर्म थ्री प्रैक्टिकल सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच पार्ट दोनों में से एक एक तो करना ही करना है पार्ट फर्स्ट में से भी एक सिलेक्ट करना है स्टूडेंट ने सेकेंड में से एक करना है एग्जाम में जब फाइनली प्रैक्टिकल वो लिखेंगे ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑन देअर इफ प्रोवाइडेड देयर अगर वहां पर आपको कंप्यूटर मिलेंगे तो आप उस पर उसको प्रैक्टिकल कर सकते हो नहीं तो लिखने तो है ही हमने एक

तो स्टूडेंट सिलेबस क्या है प्रैक्टिकल का लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल जो हमने बनाने है, मैंने कहा था ना दो पार्ट हैं इसके दोनों में से हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें दो पार्ट में कौन कौन से प्रैक्टिकल है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले पार्ट फर्स्ट इसमें जो हमारा बेसिक यूनिट है वो है इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन इसमें बेसिकली तीन मेन कॉन्सेप्ट हैं जिनकी बात करेंगे तीन कॉन्टेंट कौन कौन से है लॉग इन टू इंटरनेट नेविगेशन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन डाउनलोडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट ये सब कुछ फर्स्ट जो पार्ट है उसमें ये तीन टॉपिक इन्वॉल्व है इन तीनों पे एक एक प्रैक्टिकल तो हमने लिखना ही लिखना है इन टॉपिक्स पे कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे बताता हूं इसके अलावा पार्ट सेकंड की बात करते हैं पार्ट सेकंड में हमारे पास जो प्रैक्टिकल है उसमें मेजर तीन ग्रुप है सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल फर्स्ट है जिसमें टोटल 6 टॉपिक इन्वॉल्व है क्रिएटिंग अ ईमेल अकाउंट क्रिएटिंग अ मैसेज क्रिएटिंग एन एड्रेस बुक अटैचिंग अ फाइल विद ईमेल रिसीविंग अ मैसेज डिलीटिंग अ मैसेज इस लेवल तक स्टूडेंट्स हंसते भी हैं इतने आसान आसान से टॉपिक लेकिन इनको पेश कैसे करना है भाई प्रैक्टिकल नोटबुक में ये हमने सीखना है ये बात ध्यान रखो सेकंड है परचेस थ्रू द नेट जो मेजर टॉपिक है और थर्ड वन ऑनलाइन बैंकिंग ऑपरेटिंग एंड एटीएम हमने स्टूडेंट्स ने कोशिश करनी है कि जब प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करें हर टॉपिक पे कम से कम एक प्रैक्टिकल जरूर लिखें तो तीन फर्स्ट पार्ट में थे सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल के सिक्स पार्ट ये हैं परचेजिंग द नेट एंड ऑनलाइन बैंकिंग ऑपरेटिंग सिक्स और टू एट ये प्रैक्टिकल हैं थ्री वो इलेवन प्रैक्टिकल इलेवन तो हमने लिखने ही लिखने हैं उससे ज्यादा लिखे जा सकते हैं ज्यादा को को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मिनिमम इलेवन डिफरेंट टॉपिक्स पे हम प्रैक्टिकल तैयार करेंगे ये ध्यान रखो क्लियर ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है और इन्हीं टॉपिक्स पे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर होगा हमारे सामने इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको ट्राई टू राइट बिलो इनमें से ही लिखने हैं हैं ये मैं आपको बात बात कर चुका अब बात करते हैं, जो हमारी प्रैक्टिकल नोटबुक है वो तैयार कैसे होगी उसका सबसे पहला part, सबसे पहला होता है फ्रंट पेज इट शुड बी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूर सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है फंडामेंटल कंप्यूटर e की बात होगी तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ खूबसूरत जो पिक्चर्स है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड उनको हम डिस्प्ले करेंगे प्रैक्टिकल्स के अंडर और फ्रंट पेज को खूबसूरत बनाएंगे डेकोरेट करके प्रॉपरली वो कहते हैं ना अभी फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन क्यों ना पहला ही इंप्रेशन अच्छा डाल दिया जाए फिर इंडेक्स आपको पता है कि जितने प्रैक्टिकल लिखेंगे उसका सीरियल नंबर डालकर उसका टॉपिक क्या है कौन सा पेज नंबर वो अपने टीचर के साइन सर्टिफिकेट फिर एक इशू होता है उसके बारे में आगे बात करते हैं कैसे लिखते हैं फिर कम से कम हर टॉपिक पर एक प्रैक्टिकल हमने लिखते जाना है कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि कितने टोटल है लेकिन कोशिश करो मिनिमम इलेवन हो जाए। हाउ वी कैन बढ़िया आपके टीचर है वो आपको जैसी भी नोटबुक मार्केट में अवेलेबल है या ऐसे रूल्ड शीट्स और इंटरलेफ प्रैक्टिकल जो पेजेस आते हैं इनको यूज करते किसी फाइल में इनको हम कंबाइन करके टैग करके इनको एक खूबसूरत प्रैक्टिकल नोटबुक में बदल सकते हैं डिपेंड्स अपॉन यू एंड द गाइडेंस ऑफ योर टीचर्स. क्लियर हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हमने 11 के करीब या जा उससे ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने ऑलमोस्ट तीन से चार पेज तो मिनिमम लगते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास उतने पेजेस होने चाहिए प्रैक्टिकल नोटबुक में फंडामेंटल्स ऑफ ई बिजनेस हाउ टू राइट एन प्रैक्टिकल ऑन वर्क और वर्कबुक जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक या वर्कबुक होगी उस पर प्रैक्टिकल लिखना कैसे है मैं किसी एक को समझाऊंगा ऐसे हमने अलग अलग टॉपिक डेवलप करने हैं वो जो मैंने ग्यारह टॉपिक पहले बताए सबसे पहले हम उस टॉपिक को एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे वो कॉन्सेप्ट क्या है सेकंड वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कैसे लिख करेंगे राइट द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज टॉपिक इन स्टेपी सबसे जैसा हमारे पास प्रॉब्लम दी होगी जैसा क्वेश्चन होगा जैसा हमारा टॉपिक है उसको अगर हम अपने पीसी पर अपने लैपटॉप पर या अपने स्मार्टफोन पर प्रैक्टिकली अगर हम करें उसके लिए हमने किस किस आइकॉन को क्लिक करते चलेगी और क्या क्या हमें डिस्प्ले होता चला गया अपने क्वेश्चन को 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 सॉल्व करने के लिए उन सारे क्लिक्स को और डिस्प्ले को हमने स्टेप वाइज बस लिखना कि जब पहला क्लिक किया तो क्या निकला हमारे सामने उसकी पिक्चर लगा देनी है ऐसे ही सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप जितने भी स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो स्टेप्स हम जैसे अगर प्रैक्टिकल रूप में पर्सनल कंप्यूटर पर करें वैसे ही हम लिखते चले जाएंगे प्रैक्टिकल नोटबुक पे ट्राई टू डिस्प्ले पिक्चर स्टेप्स एज दी आर विजिबल ऑन स्क्रीन ऑफ कोई प्रॉब्लम कुछ ढूंढ रहे हैं अभी उस पर गूगल पर जाकर किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो जो भी ढूंढते हुए क्लिक करते हुए हमें पिक्चर्स डिस्प्ले हो रही हैं सामने स्क्रीन दिख रही है जो हमारे डेस्कटॉप की उसकी पिक्चर्स को हम साथ में कोशिश करो मैक्सिमम अटैच करते चले जाए जो साफ प्लेन पेज होता है ऐसी प्रैक्टिकल नोटबुक में उस पर और जिधर लिखना है वो लाइन वाला पेज होता है उस पर लिखते जाना है हमने क्या स्टेप किया है कैसे वो मैं बता रहा हूं लेट्स लर्न विद प्रैक्टिकल और एक एग्जाम्पल करते हैं भाई एक बात और अगर आपको ये अच्छे लगे वीडियो तो अपने स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करो ताकि उनका काम आसान बन सके तो आगे बढ़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया नेक्स्ट वन बात करते हैं आप एक एग्जाम्पल हम सबसे पहले कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले मैंने बोला कि फ्रंट पेज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन खूबसूरत बनाओ ये मैंने एक एग्जाम्पल कोर्ट किया आप ऐसा भी बना सकते हो मैनुअली ऐसे भी बना सकते हो आपको सेशन लिख देना है फंडामेंटल्स ऑफ ई बिजनेस सब्जेक्ट का नाम आ गया प्लस टू कॉमर्स प्रैक्टिकल वर्कबुक है ये नेम लिखेंगे बोर्ड का रोल नंबर आएगा स्कूल नेम आ जाएगा आपका क्लियर इसके अलावा ऐसे हम मैनुअली डिजाइन करके भी इसको तैयार कर सकते हैं इस ढंग से भी कर सकते हैं ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है भाई। आप इससे भी खूबसूरत so तो इस तरह से आप कोई भी खूबसूरत सा इंडेक्स बनाकर जो जो प्रैक्टिकल आपने बनाए हैं उसको हमने मेंशन कर देना है सीरियल नंबर डेट टाइटल पेज नंबर और टीचर के सिग्नेचर के साथ जो प्रैक्टिकल नोटबुक आप यूज कर रहे हो उसमें इंडेक्स बना हुआ है तो तो आप उसको भर दोगे तो आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में जनरली कंफ्यूजन हो जाता है सर्टिफिकेट क्या है ये जो मैंने आपको बताया था कि जब प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करते हैं उसमें सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट को आप मैनुअली भी बना सकते हो अगर आप मार्केट से ली गई प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं यूज कर रहे ये आपके टीचर्स की ओर से होगा स्टूडेंट्स को कह रहा हूं मैं ऐसा क्योंकि इसमें टीचर ये सर्टिफाई करते हैं कि आपने ये सारा रिसर्च प्रोजेक्ट जो किया है डिफरेंट प्रैक्टिकल्स रिलेटेड वो आपने खुद बनाया है और टीचर की गाइडेंस के अंडर बनाया है ये सब्जेक्ट टीचर की ओर से होगा जो हमारी वेरी रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसा सर्टिफिकेट नीचे साइन करके उसको सर्टिफाइड कर देंगे प्रिंसिपल के भी काउंटर साइन हो सकते हैं अगर आप चाहें तो ये भी आप पे ही डिपेंड करता है जरूरी नहीं इसकी ऐसी वर्डिंग हो जो यहां पे लिखा हुआ आप देख रहे हो सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रिसर्च ऑन द प्रोजेक्ट फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस अंडर द गाइडेंस ऑफ सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर ऐसा भी हो सकता है या मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे भी बन सकता है ये आपकी जो आपके टीचर्स हैं उन पे डिपेंड करता है या आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है आप कैसा सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस में ये भी है एक की वर्डिंग ऑलमोस्ट द इज इज सेम दिस टू दैट मिस्टर और और मिस सन ऑफ डॉटर ऑफ श्री यहां पहले स्टूडेंट का नाम आ जाएगा यहां उसके फादर का नाम क्लास आ जाएगी अंडर बोर्ड रोल नंबर आ जाएगा यहां उसकी इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा टीचर सिग्नेचर नेम एंडनेशन जो आपके लेक्चर सहवान है उनका नाम आके यहाँ पे साइन हो जाएंगे डेटर करके उसको बाउंड कर देंगे इस डेट को ये सर्टिफाइड किया तो स्टूडेंट आगे तो बढ़ते हैं आर प्रैक्टिकल इज अबाउट मान मैंने कहा था ना ग्यारह टॉपिक में टॉपिक है हमारे प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखने के उसमें से हम एक ही एग्जाम्पल लेते हैं मान लो हमारा जो प्रैक्टिकल है नेविगेशन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की जो जानकारी है उसको ढूंढने के लिए हमने नैविगेशन करनी है ढूंढना है तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि हम प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मैनेज करेंगे स्टेप वाइज चलते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल फर्स्ट नेविगेशन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन डेट भी साथ में डाल सकते हो एक खूबसूरत सा पेज ऐसा तैयार कर देंगे आप साथ में नेविगेशन से रिलेटेड कोई पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो खूबसूरती से आगे सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी कोई प्रैक्टिकल लिखते हैं पहले उसका बेसिक बताते हैं कि नेविगेशन होता क्या है नेविगेशन को प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं वो आगे बता रहा हूं नेविगेशन इज द एक्ट ऑफ मूविंग अराउंड डॉक्यूमेंट बाई यूजिंग द माउस और की बोर्ड और फिंगर इन केस स्मार्टफोन ऑन कंप्यूटर और लैपटॉप देर आर मेनी सर्च इंजन फॉर सीकिंग गूगल इट वी वर्चुअली इम्पॉसिबल टू लोकेट एनीथिंग ऑन द वेब मतलब समझो नेविगेशन एक ऐसा एक्ट है एक ऐसा एक्शन है भाई किसी भी डॉक्यूमेंट पर ऊपर नीचे जाने के लिए जिसको अपने माउस कीबोर्ड या फिंगर के साथ अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर या स्मार्टफोन यूज कर रहे हो जिस पर आप इधर उधर घूम सकते हो ढूंढने के लिए कुछ देर आर मैनी सर्च इंजन ढूंढते कहाँ से हैं इसके लिए सर्च इंजन यूज किए जाते हैं जिसमें से हम इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं सर्च इंजन कौन कौन से हैं जैसे गूगल है एल्टावेस्टा है इसके अलावा मैंने ये लिस्ट भी साथ में डिस्प्ले किया गूगल डॉट कॉम बाइडू डॉट कॉम बिंग डॉट कॉम बहुत से हैं। ये पिक्चर जो है आप ऐसी पिक्चर जो प्लेन पेज है जिसपे लाइनिंग नहीं है उधर लगा दोगे और इधर साथ में नेविगेशन क्या है ये लिख दोगे समझ लगा मेरी बात जब प्रैक्टिकल बना रहे हैं, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल मान लो हमने ये बनाना है तो कैसे बना सकते हैं ये वैसे फर्स्ट पार्ट का सेकंड टॉपिक है आपको ये पता होना चाहिए सर्च इंजन इन इंडिया भारत में जो सबसे ज्यादा सर्च इंजन यूज किए जा रहे हैं टॉप टेन कौन कौन से हैं ये सारे के सारे उनके लोगों हैं डिफरेंट टाइप के जो सर्च इंजन यूज हो रहे हैं चाहे गूगल क्रोम है बिंग है अलेक्सा है आस्क है याहू है दो है इस ढंग से डिफरेंट टाइप के जो सर्च इंजन यूज हो रहे हैं ये उन सब के लोगो हैं जो इंडिया में मैक्सिमम टाइम यूज होते हैं क्लियर ये पिक्चर भी आप डिस्प्ले कर सकते हो खूबसूरत बना लिए प्रोजेक्ट को अब एक जनरल इंफॉर्मेशन दोगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा सर्च इंजन मार्केट शेयर इन इंडिया भारत में जो सर्च इंजन दिसंबर 2020 में यूज किया गया उसके बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं गूगल 98.79%, Bing 0.79%, Yahoo 0.34% परसेंट मतलब सारी मार्केट है जो सर्च इंजन की वो गूगल ने चोरी कर ली भाई चोरी नहीं की मतलब लोगों को आकर्षित किया लोगों ने मैक्सिमम गूगल को ऐसे सर्च इंजन यूज किया है बिंग याहू इन सबके अलावा तीनों के अलावा सोच के देखो जितने भी सर्च इंजन यूज होते हैं इंटरनेट में नेविगेशन के लिए वो सिर्फ पॉइंट ही रह गए ऑलमोस्ट तो ये सारे सर्च इंजन है जहां पर हम कोई भी चीज नेविगेट करते हैं सर्च कर फॉर नेविगेशन ये हमारे टॉपिक का प्रैक्टिकल रूप है जिसे गाइडेड प्रैक्टिस कहते हैं नेविगेशन करने का मान लो हमें ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया जहां हमने सपोज कर लिया कि हम नेविगेशन को इस क्वेश्चन के साथ इस प्रैक्टिकल के साथ शो करने जा रहे हैं नेविगेशन के सारे प्रोसेस को आज के प्रैक्टिकल में लेट वी वांट टू

कौन सा यूज करना है गूगल क्रोम यूज कर रहे हो आप आप कोई भी कर सकते हो पर अगर उसने गूगल क्रोम कहा है तो हम गूगल क्रोम के साथ ही प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे स्टेप स्टार्ट गूगल क्रोम या क्लिक आइकॉन ऑफ सर्च इंजन गूगल क्रोम ऐसा कुछ भी लिख सकते हो और साथ में हम एरो बना के दिखा सकते हैं प्लेन पेज पे गूगल क्रोम की जो पिक्चर है जो हमारे डिस्प्ले स्क्रीन पर आएगी जब हम गूगल क्रोम को क्लिक करते हैं तो उस पिक्चर को हम प्लेन पेज पे पेस्ट कर देंगे इट लुक्स इंप्रेसिव जैसे मैंने तो यही दिखा दी जब आप नोटबुक प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करोगे तो प्लेन पेज पे पिक्चर लगा दोगे स्टेप आप जो लाइन वाला हिस्सा वहां लिख दोगे क्लियर ये क्वेश्चन है हमारा जिसको हम प्रैक्टिकल रूप में नेविगेशन के प्रैक्टिकल दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं ये फर्स्ट स्टेप है उसका जस्ट फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप सेकेंड भाई खुले खुले स्टेप लिखने ज्यादा स्टेप नहीं होते हार्डली चार पांच स्टेप में मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं आप प्लस टू लेवल तक राइट एस टी टी पी एस डॉट डबल स्लैश डॉट ओ आर जी एंड क्लिक ऑन एंटर टू ओपन द रिक्वायर्ड पेज ये क्या है जो हमारा गूगल का जो होम पेज खुला था सर्च इंजन का उसके एड्रेस बार में हम ये वाला एड्रेस कर, क्लिक करेंगे। होम पेज ऑफ साइट तो हमारे सामने इस वेबसाइट का जिसका ये लिंक है उसका ये होम पेज खुल जाएगा जो मैंने यहां मेंशन किया वन काइंड प्लेनेट इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन है अभी एनिमल्स ए टू जेड एनिमल टॉप टेन एनिमल्स बायोलॉजी एनिमल काइंड एक्टिविटीज बहुत से इसमें इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है तो हमें उसने ये वेबसाइट खोलने के लिए कहा था हमने वो साइट खोल दी उसका ये होम पेज है पिक्चर हम प्लेन पे लगा देंगे स्टेप लाइन वाले साइड में लिखेंगे समझ लगा कोशिश करो कि एक पेज पे दो स्टेप और दो पिक्चर्स लग जाएं उधर उसके ठीक उसके दूसरी तरफ प्लेन पेज पे फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप थर्ड क्लिक द हाइपर लिंक एनिमल टॉप टेन मैंने बोला ना यहां बहुत से और लिंक दिख रहे हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी एनिमल टॉप टेन

और तो आपको ये पेज दिखने लग जाएगा दिस पेज इज शोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट टॉप टेन फास्टेस्ट एनिमल इस पर दस जो फास्टेस्ट एनिमल है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी ध्यान रखना जी ये मैंने जब इसको ढूंढने की की कोशिश तो पहले जो सीरीज में आता है फिर नाइन्थ नंबर वाला आया फिर एट्थ नंबर पे फास्टेस्ट है सबसे लास्ट में आपको जो टॉप मोस्ट फास्टेस्ट एनिमल है उसकी इंफॉर्मेशन इस पेज पर आपको देखने को मिलेगी आप देख सकते हो ऐसा तो अब वहां पर पहुंच

इन अ स्टोव दे कैन सर्च अप टू दे कैन रीच अप टू स्पीड ऑफ 321 ट्वेंटी वन किलोमीटर पर हार जब ये अपना शिकार करने के लिए नीचे को डाइव करता है ना झुकता है जमीन की तरफ बढ़ता है तो इसकी स्पीड 321 किलोमीटर पर आर तक चली जाती है जनरली भाषा में जब हम पंजाब से बिलोंग करते हैं बाज भी कहते हैं इसको आप सबको पता है बाज की स्पीड और उसकी जो देखने का जो निगा है उसकी वो बहुत तेज तेवर होती है तो ये था ही एन, एनिमल अर्थ का प्लेनेट का सबसे ज्यादा जिसकी इंफॉर्मेशन इस साइट पर दी हुई है पेरिग्रिन फाल्कन समझ लगा इस साइट पर हमें ये इंफॉर्मेशन मिली हमने इसको पिक्चर को डिस्प्ले किया उसी तरह से स्टेप लाइन वाला पेज है वहां लिख दिया तो इस ढंग से ये जो प्रैक्टिकल है ये कंप्लीट हो जाएगा इसके अलावा आपको देखने को मिले

हम कोई ये जो हमने तैयार किया कोई और टॉपिक लेके इस तरह से हमने 11 प्रैक्टिकल तैयार करने हैं तीन चार पेज में इजीली एक प्रैक्टिकल आएगा खूबसूरती से पिक्चर्स उसमें पेस्ट करते चले जाओ डेकोरेट करते चले जाओ आपका प्रैक्टिकल जो नोटबुक है बढ़िया सी तैयार ध्यान रखो ये सारे हमने ये ग्यारह जो टॉपिक है जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ इन पर प्रैक्टिकल मिनिमम ग्यारह तैयार करने ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है ज्यादा तैयार करने की जरूरत भी नहीं आप इन पर ही मेहनत कीजिए एक बात ध्यान रखें इफ देर आर ये मैंने यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है इफ देर आर प्रॉपर नंबर ऑफ पीसी द द प्रैक्टिकल कैन कैन बी ऑन एंड यू राइट स्टेप्स अकॉर्डिंगली ये बात भी है एक तो आपने इमेजिनेशन करनी है जब पेपर में आपके पास क्वेश्चन पेपर आया मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ था कि ऐसे फास्टेस्ट एनिमल ढूंढो इमेजिन किया आपने गूगल क्रोम को क्लिक किया तो हमें होम पेज मिला फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वहां पिक्चर तो हम पेस्ट नहीं कर सकते एग्जाम में तो स्टेप भी लिखने होते हैं या अगर आप पीसी पर बैठकर वहां जिस इंस्टीट्यूशन में आपका प्रैक्टिकल हो रहा है वहां पर्सनल कंप्यूटर उतने हैं कि सारे स्टूडेंट्स का लाइव प्रैक्टिकल हो सकता है कंप्यूटर पे तो पीसी पे आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो जितने स्टेप वहां बनते चले जाएंगे उनको देख के लिख सकते हो ऐसा भी हो सकता है ध्यान रखना स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आई थिंक द होल कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर अगर आपको आज के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई कंसर्न है आप नीचे कमेंट बॉक्स में इससे पहले बिजनेस स्टडी से रिलेटेड मैंने प्रैक्टिकल डिटेल से बताया उसका प्रोजेक्ट वर्क कैसे तैयार करते हैं आज भी ने बताया कि फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस की प्रैक्टिकल नोटबुक में कोई एक प्रैक्टिकल कैसे तैयार करना है और कैसे हमने ग्यारह कौन कौन से टॉपिक में बनाने हैं और प्रैक्टिकल का फॉर्मेशन क्या होगा डिटेल में आपको बताया इस चैनल पर जानकारी हित पर और बहुत सी वीडियोस हैं कॉमर्स इकोनॉमिक्स और मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड उनको भी देखते रहिए टेल देन थैंक यू वेरी मच